अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ से नराम बाज़ार ख़त्म होता है, और नराम बाज़ार जैसे ही ख़त्म होता है आगे थोड़ा सा आगे जो है यहाँ पर गाड़ियों का अड्डा है, उसके साथ आगे PTDC है और उससे आगे जो है राफ्टिंग पॉइंट और ज़िप लाइन है। इंशाल्लाह दिन के वक्त आगे जाऊँगा और ज़िप लाइन और राफ्टिंग पॉइंट आपको दिखाऊँगा। उसके बाद इंशाल्लाह वापसी पर नराम बाज़ार का मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। फ्रेंड, इस तरफ अभी मैं आगे आ चुका हूँ। सामने आप देख सकते हैं जीप वगैरह खड़ी है, आपने जिधर भी जाना हो। और इसके साथ ये देख सकते हैं लोकल हाई रूफ गाड़ी जो आगे जाती है जलखंड बड़वई पैसर वहाँ तक जाती हैं। तो यहाँ से जो है ये भट्टाकुंडी तक 100 रुपये ले रहे हैं, और उसके अलावा जो है आगे जो है बड़वई आते हैं, बड़वई तक 200 रुपये किराए, जलखंड तक इनका 300 है, मतलब इस तरह आगे 400, 500, 700, 800 तक इनके किराए। तो अभी जैसे ही मुझे यहाँ से गाड़ी मिलेगी मैं सीधे जाऊँगा आगे राफ्टिंग पॉइंट पर। फ्रेंड, इस तरफ अभी मैं पहुंच चुका हूँ राफ्टिंग पॉइंट पर, और देख सकते हैं इस तरफ ये मनाजर हैं और ठंडी हवा चल रही है। अभी वगैरह अभी इतना नहीं है, तो शाम के वक्त जो है डर ज़्यादा होते हैं। फिर इस तरफ ये राफ्ट वगैरह पड़ी हैं, इस तरफ अभी कुछ राफ्ट जा रही हैं और सामने ज़िप लाइन। फ्रेंड, फाइनली इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िप लाइन पर, और शाम का वक्त है और देख सकते हैं रश काफ़ी ज़्यादा है। इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, गाड़ियाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं यहाँ पर इस वक्त, और लोग आ रहे हैं ज़िप लाइन एडवेंचर इंजॉय कर रहे हैं। राफ्टिंग पॉइंट पे जाऊंगा, वहाँ के जो मनाजर होंगे वो आपको दिखाऊंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह सीधा जाऊंगा नराम बाज़ार, और इंशाल्लाह नराम बाज़ार में जो सुरजाल होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं इंशाल्लाह। फ्रेंड, इस तरह फाइनली मैं राफ्टिंग पॉइंट पर पहुँच चुका हूँ, और देख सकते हैं राफ्ट वगैरह अभी भी जा रही है, और साथ में ज़िप लाइन भी वो देख सकते हैं, अभी भाई आ रहे हैं उसके साथ। इस तरह देख सकते हैं अभी भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वहाँ से ज़िप लाइन सही यहाँ पर रुक गई है, तो क्योंकि वेट कम होता है और हवा हो तो फिर आगे नहीं जा पाते, तो
तभी यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये भाई आ गए। तो यहाँ पर इनके पास रस्सी होती है, तो उससे ये वापस से इसको देखे, ये अभी यहाँ से ये पकड़ेगी तो इसको वापस लेके जाएंगे। ये तो यहाँ पर फंस जाते हैं, रुक जाती है जिप लाइन में, तो फिर उसको ये देख सकते हैं, यह तरीक़ेकार होता है यहाँ। तो ये अक्सर हवा की वजह से होता है या वेट कम हो। अभी इसको यहाँ से पिकअप कर लिया। सो बस फ्रेंड राफ्टिंग पॉइंट से वापस आया और फिर एक कॉल आ गई थी, रूम वगैरह की बुकिंग करनी थी, तो उनको रूम वगैरह बुक करके दिया। उसके बाद अभी खाना वगैरह खाया और अभी जा रहा हूँ नराम बाज़ार। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको मुकम्मल दिखाता जाऊँगा नराम बाज़ार। तो बस फ्रेंड अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और इस तरफ देखें तो यह सरहद होटल एंड रेस्टोरेंट है और इसके साथ ही सामने सनराइज़ कैफ़े है मेन बाज़ार में। बात करूँ दिन के वक्त तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी सुबह, उसके बाद 1 बजे के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, हवा वगैरह चल रही थी, अभी बारिश वगैरह का बताया हुआ है कल का, तो अभी भी माशाल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा है। थोड़ी बहुत सर्दी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब मौसम अच्छा है, जैसे दिन को गर्मी थी उस तरह की नहीं है। अभी ये मेन बाज़ार में रश वगैरह भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड इस तरफ अभी मैं बिल्कुल सेंटर में आ चुका हूँ नराम बाज़ार के, तो ये इसको सेंटर ही समझ लें आप नराम बाज़ार का। तो इस तरफ N50C कैफ़ी कॉफ़ी की शॉप है और इसके साथ नीचे की तरफ ये मनाजर है नराम बाज़ार के, रश वगैरह की सूरतयाल भी आप देख सकते हैं, और इससे थोड़ा सा ही आगे जो है लालाजार होटल है। तो फ्रेंड वैसे इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लेकिन आजकल चूँकि महंगाई है तो उस वजह से इतना रश हमें देखने को नहीं मिलता जिस तरह पहले मिलता था। तो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश होता था, लेकिन आजकल इतना ख़ास नहीं है। तो इसके अलावा जो है अगर वीकेंड की बात करूं तो वीकेंड पे जो है काफ़ी ज़्यादा रश हमें देखने को मिलता है नराम में, तो आम दिनों में अभी नॉर्मल ही मिलता है। फ्रेंड इस तरफ मैं आ चुका हूँ, सामने सिर्फ देखें तो बिल्कुल मस्जिद है और उसके साथ ही यहाँ पर बट कढ़ाई तक है, तो अंदर आप देख सकते हैं रश वगैरह लगे हुए हैं इनके, जब भी आता हूँ रश वगैरह होता है। तो अभी इसके साथ इंशाल्लाह नीचे की तरफ जाऊंगा और साथ साथ आपको दिखाऊंगा। इस तरह देखते हैं सामने कराची सुपर स्टोर है और इसके साथ यहाँ पर शॉप वगैरह है, शॉल की सेंटर है। तो इससे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लोगों की हमदर्द वगैरह, रश वगैरह। तो सामने जो है बिल्कुल जो है मून रेस्टोरेंट है और इससे नीचे की तरफ यह मनाजर है बिना बाज़ार के पार्क होटल है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं रश थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर रश ऊपर होता है मेन बाज़ार में, जो है आप लगा लें मस्जिद के पास ऊपर से जो मेन बाज़ार है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो इस तरफ न्यू पार्क होटल, इनकी पार्किंग जो है अंदर खुल है इस वक्त, और उसके साथ नीचे की तरफ यह मनाजर है नराम बाज़ार के आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड इस तरफ मैं नीचे खड़ा हूँ पार्क पंजाब टेका हाउस के पास, तो इंशाल्लाह मैं वापस जाऊंगा ऊपर अपने रेस्टोरेंट में। बस फ्रेंड अभी वापस आ चुका हूँ रेस्टोरेंट में और 1 बजे का टाइम है अभी रात का, और नराम बाज़ार में बस थोड़े बहुत लोग हैं एक आध। और यह था आज का व्लॉग फ्रेंड, आपको मुकम्मल दिखाया नराम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो किसी चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।